सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक हमारा है कि मालन नदी का पुनरुद्धार किया गया है। उत्तर प्रदेश की घटना है ये, यूपी करंट अफेयर है इसे कह सकते हैं आप। तो घटना यह है 3 मई की। मालन नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसके पुनरुद्धार के बारे में बात किया गया है, तो बिजनौर से किया गया है मालन नदी का 3 मई 2022 को। ठीक है, इसके पुनरुद्धार हेतु जो है अभियान शुरू किया गया। और ये प्राचीन समय में ही जो मालन नदी है काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां से जो मूर्तियां मिली हैं, जो शिवलिंग मिले हैं, जो वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जिन्हें मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर में सहेज कर रखा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है मालन नदी, और परीक्षा में पूछने के इसके चांसेस भी ज्यादा है। अगर आप इंसिडेंट से अगर मिला के इसको देखे तो अपडेट करके पूछ देगा। ठीक है, तो कौन से मंदिर में रखा गया है? तो मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर में सहेज कर इसे रखा गया है। इस नदी के किनारे ही कौड़ो आश्रम के साथ साथ राजा मूरध्वज का किला भी अवस्थित था। ठीक है, और मालन नदी को प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, यह भी जरूर याद रखिएगा। उद्गम जो है पौड़ी जिले की चड्डा पहाड़ियों से माना जाता है। इसके साथ ही साथ यह जो नदी है उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलने वाली नदी है, मैदान में आकर नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और इसको साफ सफाई का काम करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नदियों को बचाने के लिए सरकार जो है तरह तरह के प्लान्स भी, जैसे गंगा एक्शन प्लान भी चालू की है, नदियों को साफ करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही है सरकार की। इसके साथ साथ बिजनौर में हल्तू खाता से प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है जिले में 53 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और इतनी प्राचीन नदी को बचाना जो है बहुत बड़ी चुनौती भी है, और सरकार जो है इसके पुनरुद्वार की बात भी कर रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है कि ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दिया गया है, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। तो हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी साहब का मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्री जी हैं वो, नागपुर लोकसभा से आते भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक, कहां से कहां तक? गाजियाबाद से कानपुर तक। गाजियाबाद चूंकि एनसीआर में है, और कानपुर चूंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक घराने भी है वहां पर, बहुत बड़ा एरिया है चूंकि बिजनेस का हब है कानपुर में। तो बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दिया है। यह कॉरिडोर जो है 380 किलोमीटर लंबा होगा। ये भी प्रश्न पूछा जाते हैं कि कितना लंबा होगा, तो 380 किलोमीटर लंबा होगा, और 2025 तक का इसका डेट रखा गया कि 25 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद से जो है गाजियाबाद हो, चाहे उस रास्ते से हापुड़ होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए जो है अन्य हिस्सों से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेस पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह कॉरिडोर जो है लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे को उन्नाव और कानपुर के बीच में कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ गाजियाबाद और हापुड़ में मौजूदा मेरठ एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। तो आपको पता है ना कि मेरठ एक्सप्रेसवे भी चल रहा है मेरठ से दिल्ली तक के लिए, और ये यमुना एक्सप्रेसवे तो पहले बना ही है, जिसपे हमारे पूर्व सीएम साहब कहते भी हैं बार बार यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की दिशा में काम शुरू किया है, और ये दिसंबर 2023 तक पूरा होगा, और उसके बाद 24 महीने में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद हापुड़ कानपुर उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कितने किलोमीटर है, कब तक का प्रोजेक्ट है, कौन कौन कनेक्ट होगा, किससे किससे कनेक्ट होगा, बीच में कौन कौन से जिले आएंगे, ये सब भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना था तो ये भी पूछा गया था किस जिले से नहीं गुजरता है, ये भी प्रश्न वहां पे पूछा गया था उस साल परीक्षा में, तो ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश से गंगा एक्सप्रेस वे का भी निर्माण हो रहा है, जो बीच में लखनऊ जाने वाले एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा, जिससे काफी ट्रैफिक गंगा एक्सप्रेस पर जाएगा, जिससे गाजियाबाद कानपुर के बीच 4 लेन का ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बाद में ट्रैफिक बढ़ने पर इसे 8 कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को निजात दिलाने के लिए भी इसकी शुरुआत बहुत ही जरूरी है। इसके साथ अंडरपास होंगे, फ्लाईओवर होंगे, जो मेन मेन होते हैं, सर्विस रोड का निर्माण 6 लेन के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से जो है गाजियाबाद नोएडाबाद की सड़कों से वाहनों का दबाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा शहरों में है, इसलिए तो सरकार नए शहरों को बसाने की बात कर रही है। ये एक ऐसा शहर जहां पे सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि लोग जो लोग गाँव से शहर की तरफ चले जा रहे हैं, वो शहर से नहीं आ रहा है, शहरों पे जो है दबाव ज्यादा पड़ता जा रहा है, इसलिए सरकार एक नए शहर की बात कर रही है, एक शहर से दूर एक नया शहर बसाने की बात भी सरकार कर रही है। हापुड़ से कानपुर तक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने सितंबर 2019 में किया भी था। ठीक है, यूपी के सभी जिलों में बनेंगे। अगला टॉपिक है ड्रग वेयर हाउस। आपको जो है दवाओं के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने जिले हैं भाई? 75 जिले हैं। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि बड़ा राज्य है, डॉक्टरों की बहुत कमी है, और चूंकि कोविड के दौरान आपने देखा ही होगा कि स्थिति कितनी नदारद हो गई थी, इसको देखते हुए सरकार संज्ञान में लेते हुए जो है अब हर जिले में, जैसे साइबर थाने की बात की गई है, वैसे ही दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया है। और 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले, जिसमें रायबरेली है, सीतापुर है, गोंडा है, बाराबंकी है, शाहजहानपुर है, औरैया, फरुखाबाद और संभल में 25 दवा गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा।
ग्राम स्तर पर भी, युद्ध स्तर पर भी इस सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि युद्ध स्तर पर यह काम होना चाहिए। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जिसे पीएचसी सेंटर कहते हैं, दवाओं की पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, जरूरी भी है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप जानते ही है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसा हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकसित होगी हाईटेक नर्सरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब है और एक और उप मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 7 मई 2022 को ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो दो हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं, 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जियों के पौधे उगाने के लिए 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा और प्रत्येक नर्सरी की लागत 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे पैदा करेगी। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इजरायली तकनीक के साथ किया जाएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और मनरेगा योजना के तहत जो है विकसित हाईटेक नर्सरी का रखरखाव कौन करेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान से देखिएगा, कितनी लागत होगी, किसकी तकनीक को यूज किया जा रहा है, कितना पैसा लगेगा इसमें, कब इस डेटा योजना को शुरुआत किया गया है, किसने इसके बारे में जिक्र किया, ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क। बहुत जरूरी है, क्योंकि सब जो है लखनऊ हुआ, चाहे नोएडा हुआ, चाहे गाजियाबाद हुआ, इस सब के सब जो है इंडस्ट्रियल एरिया, एक तरह से देखिए आप, है उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार देख रहे हैं कि बार बार कह रही है कि बाहर से हमेशा एक्सपो भी हो रहा है और उसमें यही है कि भाई आप लोग बाहर से आइए, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, राज्य में रोजगार बढ़ेगा, बहुत सी चीजें होंगी, राज्य समृद्ध होगा। तो राज्य को बढ़ावा देने के लिए, राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए 15 शहरों में निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए चिन्हित जिलों में योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। इस योजना के प्रारंभिक चरण में जो है आपके प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग होगा, टेक्सटाइल उद्योग होगा, रेडीमेड कपड़े होंगे, खाद प्रसंस्करण होगा, इत्र होगा, पीतल उत्पाद होगा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योग इसमें शामिल है। जिसमें जिले की अगर बात करें, देखा जाए तो लखनऊ है, उन्नाव है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, राजा भैया का प्रतापगढ़, औरैया है, हमीरपुर है, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज इसमें शामिल है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, यूपी वालों, गोरखपुर भी है और प्रयागराज भी है, जितने भी नाम बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न उठा के पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। राज्य में जो मैंने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क या विकास, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है उसके सहयोग से किया जाएगा। अगला प्रश्न है थारू, मतलब अगला टॉपिक हमारा है, प्रश्न नहीं टॉपिक, प्रश्न से निकल के आएंगे, थारू जनजाति संग्रहालय के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में विकसित निवास करती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है थारू जनजाति, ठीक है। तो 11 मई 2022 की बात है, बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिरिया कोडोर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। कहां पर हुआ है, बलरामपुर जिले में। थारू जनजाति की अगर जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध होगी, उनके विकास, उनके जीवन चर्या, उनकी संस्कृति, धर्म, परंपरा, जीवन शैली, सभी चीजों के बारे में प्रकाश डाला जा रहा है। इसके साथ साथ बलरामपुर में निर्मित आदिवासी संग्रहालय के तत्व राज्य सरकार ने लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी, ध्यान से सुनिएगा, लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कन्नौज जिले में बच्चों के लिए भी एक संग्रहालय बनाया जाएगा। थारू जनजाति के बारे में बताया कि सबसे बड़ी जनजाति है और इसके द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी किया गया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है, जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए चुना गया है 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर का खुद का विधानसभा है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, 11वीं अनुसूची में उल्लेख है इसका, और जम्मू जिले की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है। 23 का जब होगा तो बताया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू जिले के, मतलब वहीं पर, वर्चुअली तरीके से संबोधित किया था। और अगर पहली बार बात की जाए कि पंचायती राज कब दिवस मनाया गया, तो 2010 में मनाया गया था और उसी से साल से लेकर अभी तक जो है पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यदि वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रतीक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार
दिया गया है। तो यही प्रश्न उठा के पूछ देगा कि किसको चिन्हित किया गया था, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चिन्हित किया गया था। ठीक है, केस का जब होगा तो हम आपको बताएंगे। कई सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि भारत गांव का देश है। यहाँ की अभी भी 70% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है और कुटीर उद्योग चूंकि हमारा सबसे मजबूत उद्योग है। और गांधी जी भी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले अगर आप भारत की इकोनॉमी को देखें तो बहुत ही मजबूत इकोनॉमी थी, लोग अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से उसका उत्पादन करते थे और बॉर्डर सिस्टम था, अगर आप किसी को कुछ देते तो उसके बदले में कुछ मिलता है, गांव में ही लोग जो है अपना जरूरत के हिसाब से उत्पादन करते थे। और गांधी जी तो ये बात तक कहते थे कि गांव समृद्ध रहेगा तो ही सब कुछ समृद्ध रहेगा, ये भी जरूरत है गांव की, हमारे अन्नदाता भी गांव में ही रहते हैं। और गांधी जी एक बात हमेशा कहते थे कि चरखा चलाने से और सूत काटने से देश की गरीबी को तो दूर नहीं कर सकते लेकिन लोगों में आत्मस्वावलंबन की भावना को पैदा कर सकते हैं, ये भी आप कोटेशन इसमें यूज कर सकते हैं निबंध में। ठीक है, तो गांव समृद्ध रहेगा तो ही सब कुछ समृद्ध है, क्योंकि गांव का कल्चर, गांव का समाज, गांव का सारी चीजें जो है हम कनेक्ट अगर गांव से करें तो जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी जो है गांव में निवास करती है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और अगर इसमें बात किया जाए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, इसमें आपका पंचायती राज मंत्रालय देश भर में जो बेस्ट प्रदर्शन करता है उनको पुरस्कार, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है और ई पंचायत पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है। तो जो बेस्ट काम करेंगे उन पंचायतों का चुनाव किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ताकि दूसरे भी उससे प्रभावित हो। 21 अप्रैल की बात अगर हम करें तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, सभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों की सराहना करना है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है और यह पुरस्कार सिविल सेवकों के लिए प्रेरणा का काम भी करता है और दूसरे लोग भी पुरस्कार से सीखते हैं। यह 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है, पहला श्रेणी है जिसमें पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल है, दूसरी श्रेणी में 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तीसरी में 18 राज्य शामिल है। और चूंकि मैंने कहा कि हर साल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिन 1947 में इसका इतिहास अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच के पर्यवेक्षकों को संबोधित भी किया था और 2006 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम और कद बहुत बड़ा है, देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे देश के, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि भी दिया गया था। सिविल सेवक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वे लोक प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए अथक प्रयास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को क्रियान्वित करने की ओर है, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये रहे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा। इसमें हम अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक के मतलब करंट अफेयर को लेकर चल रहा है, अभी तो अप्रैल मंथ के ही 2022 को लेकर चल रहा है जिसमें यूपी करंट अफेयर है और राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें दिया गया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप जब तक आपका पेपर 14 मई को प्रस्तावित है, यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उस हिसाब से हम पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी तैयारी कर लें जिससे हमारे करंट अफेयर की पकड़ मजबूत बनी रहे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर लिखिए ताकि आपके सुझाव पे अमल भी किया जाएगा। ठीक है, और बेहतर करने का प्रयास भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।